Afridi with a bat in his hand. Nothing better than Lords on a beautiful day and a full house. Well, they've gone quiet. They've not been quiet for too long. Now then, who else is in there? Ex-captain. Jay Warden, Jayasuriya, Sangakkara, Murali, Mendes, they're all coming into this meeting. It's desperate times, is this. Change of ball in. Udana comes back into the attack. अरे अंकल आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ ऐसे कि सपने कर ले। ये आपने कर? हाँ। यहाँ कब शिफ्ट हुए? मुझे शिफ्ट हुए तकरीबन एक साल हो गया है। तुम अपनी बताओ, तुम इस तमाम बदलाव में कहाँ गायब रहे? गायब कहाँ होना अंकल, वही घर, वही ऑफिस, वही मसरूफियात। गाड़ी को क्या हो गया? हाँ, दो चार दिन से प्रॉब्लम कर रही है, शायद बैटरी का मसला है। प्रॉब्लम कर रही है तो बदल दो ना। क्या गाड़ी को? गाड़ी नहीं, बैटरी। तो एक दफा ट्राई करते हैं। हो गई जनाब जी, काम हो गया। आपके कदम मुबारक साबित हुए। चलिए जनाब, आप इसी खुशी में कॉफी हो जाए। कहाँ? मेरे घर गरीब खाने पर। और कहाँ? चलिए ठीक है, इसी बहाने आपका नया घर भी देख लेते हैं। मगर अंकल आपको कॉफी बनानी आती है? मियाँ, मेरे हाथ की कॉफी पियोगे ना तो बीवी को भूल जाओगे। फिर तो पीना ही पड़ेगी अंकल। चलिए। आइए अमर, आइए। बहुत खूबसूरत घर है आपका। जाहिर है, आखिर है, घर किसका है? ये तो है। अच्छा आओ बैठ, मैं तुम्हारी कॉफी बना कर आता हूँ। मैं ही आपके साथ रहता हूँ, बैठ कर क्या करूँ अकेला। ओके आ जाओ। ऐसे ये बताओ कि शरबत कैसी? ठीक है। सिर्फ ठीक है, खुश। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? अंकल मेरे अलावा उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बस खुदा, मैं जो हूं वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं। मेरा मैं लोगों के चेहरे देख के पढ़ लेता हूं। अंकल अगर आप मुझ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना तो मैं बिल्कुल गलत आदमी हूं। मेरी जिंदगी बहुत मजे में है। हाँ, वो तो नजर आ रही है। आप ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं और शाम को जब घर लौटते हैं तो रास्ते में कोई दोस्त मिल जाता है, उसके साथ चले जाते हैं और फिर रात गई जब घर लौटते हैं तो फिर टीवी खोल के देखने लगते हैं। Isn't it perfect life? Is that what you want? Perfect life, है ना? अभी लाता हूं तुम्हारी एक कॉफी।
काफी। अंकल आप गलत समझ रहे हैं, हम दोनों तो एक दूसरे से झगड़ते भी नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिन रिश्तों में लड़ाई झगड़े नहीं होते, नोकझोंक नहीं होती, वो रिश्ते ज्यादातर कायम ही रहते हैं, हार ही जाते हैं। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो हमारे यहां 95% या बीवी के दरमियान यही प्रॉब्लम है, यानी टोटल मोनोटोनी, यकसानियत, जिंदगी में कोई चीज नई नहीं है। हाँ शायद शायद मेरा मतलब है पता तो ठीक है अभी पता कर लेते हैं ना। क्या मतलब? अच्छा तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो। उससे क्या होगा? ये होगा कि मर से जब पता चल जाएगा तो इलाज जो है वो आसान हो जाएगा। पूछिए। तुमने शरवत को उसकी पसंद का तोहफा कब दिया था? वो अपनी सारी शॉपिंग खुद करती है। नहीं, तुमने आखिरी दफा शरवत को उसकी पसंद का तोहफा कब दिया था? हाँ वो ये नहीं, कभी नहीं। अच्छा ये बताओ तुमने शरवत की खूबसूरती की कभी तारीफ की? तारीफ करने की क्या जरूरत है, जो खूबसूरत है सो है। यानी इसका मतलब हुआ कि तुमने उसकी खूबसूरती की कभी तारीफ नहीं की? नहीं। मगर आप एक सेकंड, अभी मेरा 3रा सवाल बाकी रह गया। तुमने शरवत के पकाए हुए खानों की कभी तारीफ की? इन बातों से आप क्या साबित कर रहे हैं? यही कि तुम एक नाकाबिले बर्दाश्त शौहर। क्या? ये मैं नहीं बल्कि हमारी साइकोलॉजी कहती है। तो औरतों के बारे में क्या कहती है आपकी साइकोलॉजी? वो ये कहती है कि तुम जैसे शौहरों की जो बीवियां होती है वो या तो तलाक के लिए दावा दायर कर देती हैं या फिर अपनी किसी आशना के साथ भाग सकती है। What? और कभी कभी वो अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कर्ज भी करवा सकती है। इसकी कॉफी में जहर मिला दिया था। ही इज डेड। कितनी गिरे अब
बस मैं क्या हूँ सर, क्या खिदमत कर सकता हूँ सर मैं आपकी? वो मुझे आप कुछ ड्रेसेस दिखा सकते? जी सर, आइए। वो कैसा ड्रेस चाहिए? मुझे अपनी बीवी के लिए चाहिए। अच्छा, लार्ज? मेरे ख्याल में मीडियम सही रहेगा। मीडियम, ये देख लें। और मीडियम से जरा बड़ा हो तो अच्छा है। काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ आपको। और कलर कौन सा चलेगा? ब्राइट सा कलर हो। अच्छा, ब्राइट सा, ये देखिए, बहुत अच्छा है, आपकी वाइफ को पसंद भी आएगा। ये सही है, यही पैक कर। थैंक यू। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। सरवत, इधर आना जरा, एक मिनट, ला रही हूँ। अरे चाय नहीं मांग रहा हूँ मैं, इधर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए ईद का तोहफा। वो तुम्हें बर्थडे पे कुछ नहीं दिया था और एनिवर्सरी पे भी? ईद पे भी कुछ नहीं दिया था। हाँ, कसारा का कर रहे हो? यही समझ लो। अभी हाँ, मैं तुम्हारी जगह को खुशी देखना चाहता हूँ। बाबा, इसमें मेरे जैसी दो आ सकती है। यार गलत साइज ले आया ना। 5 साल हो गए मेरी शादी को, तुम्हें आज तक ये नहीं अंदाजा हुआ कि मेरा साइज क्या है? तो कोई बात नहीं, चेंज करवा लेंगे। बकवास मत करो, बेवकूफ मत बनाओ, ये तुम अपनी सेक्रेटरी के लिए लाए हो, है ना? बकवास मत करो। बकवास नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। जाओ, जाकर दे दो अपने बेबी एलिफेंट को। सर,
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे तुम कहाँ जा रही हो, खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। तो साथ पता जा तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना कभी पसंद नहीं आया और आज तंज कर रहे हो? तंज कौन कर रहा है? मतलब आप जी, अगर इतनी बुरी लगती हो तो फोन क्यों नहीं देते? क्या बकवास है यार। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इतने सालों बाद तुम्हें तोहफे का ख्याल कैसे आया? इसलिए सरवत के मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने इतने अरसे से तुम्हें कुछ नहीं दिया।
गिरे अब बाकी बाकी है। हमें आप दौड़ की बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, इस तरह में कॉल्स करते रहेंगे। हमारा आज का टॉपिक है शौहरों को अपनी बीवियों को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए। लीजिए साहब, हमारे साथ इस वक्त कॉलर लाइन पर, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सॉरी, तुम्हारे साथ रहते हुए भी मैं तुम्हें जान नहीं सका। कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, इसलिए शायद तुम मुझे कभी मिली नहीं। जी बोल रहे हैं। आज मैं तुमसे अपने उपनाम को तारीन की माफी मांगता हूं। तुम मांगो, मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर। ठीक है, मंजूर है। सुन तो लो। बताओ। तुम आइंदा मुझसे नहीं लड़ोगे। बच्ची, अच्छा तुम्हें बड़ा हो रहा था ना, मैं परिवार के लिए आया हूं। टाइम दे दिखाओ। अभी? हाँ अभी। आजकल तुम बहुत रोमांटिक हो गए। टाइम दे दिखाती हो या नहीं? नहीं नहीं, चार हजार।
क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही मैं? अरे दीदी बहुत अच्छी लग रही है यार। नहीं अच्छी नहीं लग रही, बदसूरत लग रही हूँ, इसीलिए तो मैं हंसी आ रही है। अरे नहीं तुम ऐश्वर्या लग रही हो, बिपाशा लग रही हो। लुकिंग गुड। ये लो, नहीं चाहिए मुझे, जाकर दो ऐश्वर्या और बिपाशा को। वो तो सबको इसलिए अच्छी लगती है ना कि आधे कपड़े पहनकर सबके आगे नाच रही होती है। क्या हो गया तुम्हें? सारे मर्दे जैसे होते हैं, सारे बीवी को नौकरानी और बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। जब औरत अपना सब कुछ लौटा देती तो यही मर्द दूसरी औरतों के पीछे फिरना शुरू कर दे रहे हैं, और वह सेक्रेटरीज के साथ ओवर टाइम और फिल्मी हीरोइनों के ख्वाब। दिमाग खराब था मेरा, दिमाग खराब था जो इस पागल बुड्ढे की बातों में आ गया। बड़ा साइकोलॉजिस्ट बना फिरता है। बेगम के लिए तोहफा लेकर जाओ, उसके हुस्न की तारीफ करो, उसके खाने की तारीफ करो, तब तुम एक अच्छे शौहर बन सकते हो। इस दरवाजा खोलो, अहमद मेरी बात तो सुनो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो अहमद। नहीं पता था कि तुम अच्छा शोर बनने के लिए कर रहे हो, हालांकि तुम्हें जरूरत नहीं थी, तुम बहुत अच्छे शोर हो। अगर तुम अच्छे शोर ना होते तो मुझे सी पागल लड़की के साथ 5 साल तक गुजारा करते। मुझे मालूम है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, कि जब तुम चुपचाप कुछ कहे बगैर खा लेते हो मुझे बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी तो शायद तुम्हें अच्छा खाना खिलाकर, तुम्हारी तारीफ सुनकर भी ना होती, जैसे अच्छा क्या हो सकता है, जैसे कोई भी नहीं है। शायद ये रिश्ता ही ऐसा है, हम दोनों खुश किस्मत है। लेकिन ये खुशकिस्मती किसी बुड्ढे साइकोलॉजिस्ट के सवालों के जवाब देने से नहीं मिली है। तो किसकी बात है? अंकल जहीर। जहीर अंकल? डॉक्टर, उनकी तो खुद शादी नहीं हुई है। और अगर यही हाल अगर कभी होगी तो ऐसा फर्क होश
भूल गया, अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं ढूंढ रहा होता ना तो कभी भी अपनी बीवी से इस तरह से नहीं मिल पाता। वैसे आज के बाद ना हम बाकायदगी से लड़ा करेंगे। हाँ, हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी थी। फजूल बातें मत करो। मैंने कहा फजूल बात की? इसका मतलब है कि तुम बहुत दानिशमंदी से बातें करते हो। तुमसे बातें करने के लिए दानिशमंद होना जरूरी नहीं है। बेवकूफ हूँ मैं, तुम बहुत दानिशमंद हो। मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब नहीं था, कहा तो तुमने यही है कि मैं बेवकूफ हूँ। मैंने ये कब कहा यार? अभी थोड़ी देर पहले कहा है। अरे मैंने नहीं कहा, वो तुमने कहा है। मैंने कब कहा? तुम्हारे कहने का मतलब ये कि मैं बेवकूफ हूँ? अरे बाबा तुम हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हो। मैंने कहा से उल्टा मतलब निकाला? तुमने कहा है कि मैं बेवकूफ हूँ। मैंने कब कहा कि तुम बेवकूफ? मतलब तुम्हारा यही था। मेरा मतलब ये नहीं था। Ha ha ha.